असेंबली हलका चार मीनार आता है उसमें कालीबंडा म्यूनसिपल वार्ड में आज 2,60,00,000 के करीब नए कामों का डेवलपमेंट के कामों का इफ्तिताह हुआ, जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन, VDCC की रोड, CC रोड, सीवरेज लाइन की रिमॉडलिंग, कब्रस्तान की दीवारें और पोल्यूशन जो पानी का था, ये सब कामों का इफ्तिताह हुआ 2,60,00,000 के करीब का। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद पार्लिमानी हलके में जितने 7 असेंबली हलके जात हैं वहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पूरे तरक्याती काम को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और मैं इस पैगाम के ज़रिए आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि तरक्याती काम चल रहे हैं और जो काम अभी रुके हुए हैं इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द शुरुआत की जाएगी, उसकी मंजूरी में थोड़ी देरी हो रही है। साथ ही साथ मैं ये बता रहा हूँ कि चार मीनार बस स्टैंड, जिसको बस स्टैंड से हटाकर वहाँ पर भी खुली अराजी है, वहाँ पर मेरी वज़ीर बल्दी नज़्म जनाब KT रामा राव साहब से मुलाकात हुई थी, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वहाँ पर एक पार्किंग लॉट के लिए मंजूरी दी है, उसका एस्टिमेट बन चुका है, करीब 40 करोड़ का एस्टिमेट बना है और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उसका जब टेंडर हो जाएगा तो इंशाल्लाह अगर वो टेंडर हो जाता है तो 1-1.5 महीने के अंदर चार मीनार बस स्टैंड में 40 करोड़ की लागत से एक पार्किंग लॉट बनेगा, जिसमें ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर होंगे, पहली और दूसरी मंजिल के ऊपर बल्दिया उसको कमर्शियल स्पेस के तौर पर इस्तेमाल करेगी, माँ बाकी जगहों पर बेसमेंट में और ऊपर 3 फ्लोर में पार्किंग का इंतज़ाम होगा, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट चार मीनार लाड़ बाज़ार देखने के लिए आते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मुश्किल हो रही थी पार्किंग के लिए और उस इलाके के लिए भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हुकूमत उसको सैंक्शन करेगी और चौक मार्केट का जो पुरानी चौक मार्केट थी उसका डिमोलिशन हो चुका है और एक नई वहाँ पर चौक मार्केट बनाई जा रही है और मुतबादिल के तौर पर पेंशन पेमेंट ऑफिस में उनको वहाँ पर वो अपना कारोबार करेंगे और जब इंशाल्लाह वो चौक मार्केट का काम मुकम्मल हो जाएगा तो जो लोग वहाँ पर कारोबार कर रहे थे वो दोबारा अपने उस पुराने मुकाम पर मगर नई मार्केट में आएंगे और पेंशन पेमेंट ऑफिस की ज़मीन के ऊपर वहाँ पर भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में एक नए पार्किंग के लिए इलाका बनाया जाएगा और उस जगह पर उस पार्किंग में ये कोशिश हम करेंगे कि टूरिस्ट बस भी आकर वहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्किंग कर सकें, क्योंकि उस इलाके में चौमहला है, फिर लाड़ बाज़ार है, बहुत से तारीखी इमारतें हैं और आप जानते हैं कि खुर्शीद जहाँ की जोड़ी का भी काम मंजूर हो चुका है, 12 करोड़ की लागत से उसका रेस्टोरेशन होगा, उसका रिनोवेशन होगा। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि हलके पार्लिमानी हलके हैदराबाद में और उसमें 7 असेंबली हलके जात में जहाँ पर 6 में मजलिस के MLA हैं, 1 जहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद भी मजलिस के तमाम अराकीन असेंबली अराकीन बल्दिया की ये पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द डेवलपमेंट काम को करवाया जाए और आने वाले बारिश के मौसम के सिलसिले में भी हमारी पूरी कोशिश ये है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की सही तरीके से उसकी डिसिल्टिंग की जाए। हमने बल्दिया के अधिकारियों से भी बार बार उनको तवज्जो दिला रहे हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दिए हैं उन पर वो तवज्जो रखें ताकि सही डिसिल्टिंग हो। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम। Let's go, let's go, let's go!